सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अब नई जिम्मेवारियों के साथ आपको कैबिनेट में बर्थ मिली है, कैबिनेट में काम करना है, क्या विजन को लेकर के अब आप आपको कैबिनेट में बर्थ मिली है, कैबिनेट में काम करना है, उत्तर साथ हैं, उनसे हम बात हैं कि अब नई जिम्मेवारियों के साथ आपको कैबिनेट में बर्थ मिली है, कैबिनेट में काम करना है, उत्तर प्रदेश की नई सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि अब नई जिम्मेवारियों के साथ आपको कैबिनेट में बर्थ मिली है, कैबिनेट में काम करना है, क्या विजन को लेकर के अब आपने सोचा है अगले 5 साल काम करना है? विजन जो आदरणीय मोदी जी का विजन जो यूपी में लागू पिछले 5 साल रहा, पुनः उसको और नवीनीकृत करते हुए हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया। उस नए संकल्प पत्र को आगे रखते हुए हम लोग कानून का राज, सुशासन, विकास, लोक कल्याणकारी योजनाएं, जिस पर इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने लोगों को आश्वस्त किया है, संकल्प अपना व्यक्त किया है, उसको पूरी तरह लागू करेंगे। प्रदेश के जन जन के हितों की चिंता करेंगे और बिना किसी सामाजिक या धार्मिक भेदभाव के आम उस गरीब के चेहरे पर मुस्कान देने का काम करेंगे जो हमारे समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति है, जिसके चेहरे पर लंबे अंतराल से अब तक मुस्कान नहीं आ पाई, उसको हम चाहे उसको छत देने का काम, पेयजल देने का काम, उनकी जो भी बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे और जन जन की आकांक्षा पर खरा उतरेगी ये सरकार, ऐसा मेरा विश्वास है। इस काम को करने में बहुत कठिनाइयां भी आएंगी क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है और विधायक दल की बैठक में भी बात सामने आई थी कि इस बार मुकाबला हमारा अपनी ही सरकार से है, पार्ट वन में जो 5 साल गुजरा है, तो ऐसे में चैलेंजेस बहुत होंगे। आप देखिए कि अगर खुद से मुकाबला करना है तो एक कदम आगे बढ़ना होगा, एक मजबूत विपक्ष भी मिला है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता, एक बड़े नेता विपक्ष के, वो भी सामने रहेंगे, तो एक चुनौती भी है 5 साल जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए। मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है। मजबूत विपक्ष से न सिर्फ चुनौतियाँ मिलती हैं, वो विषय अलग है, लेकिन उससे निंदक निजरे राखी आंकर कुटी छवाए, कबीरदास का वो लोहा भी दोहा भी हमें याद आता है, जिससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। हमारी नीतियों पर रीतियों पर सकारात्मक यदि सुझाव आते हैं, सकारात्मक बातें आती हैं, तो हम लोगों को उसमें अपनी कहीं कोई कमियां हैं त्रुटियां उसको ठीक करने का मौका मिलता है, हमको और प्रेरणा मिलेगी। जितना विपक्ष मजबूत होगा प्रेरणा मिलेगी, उसी प्रेरणा के साथ हम अपनी नीतियों को रीतियों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, कानून के राज के लिए, सुशासन के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, कोई बाधा काम नहीं करेंगे। आप जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं, थोड़ी दूर पे अखिलेश यादव भी वहाँ से विधायक बने हैं, इस बार उन्होंने दिल्ली में नहीं लखनऊ में बैठने का निर्णय लिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? और उस इलाके में जहां पर माना जाता था कि छत्रप है समाजवादी पार्टी का, बीजेपी लगातार जीतते चली आ रही है, आप भी वहीं से जीत के आ रहे हैं, ये कैसे समीकरण बन रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी ने जात और धर्म की राजनीति खत्म करके राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका एक नया संदेश दिया, नई राजनीतिक शुरुआत हुई है। जो तुष्टिकरण के नीति वाले, जातवाद की नीति वाले, परिवारवाद की नीति वाली, वो अब जनता का विश्वास उठ रहा है, उसी का परिणाम है कि व्यापक जन समर्थन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी रीतियों रीतियों सिद्धांतों के आधार पर पूरे देश में लोगों का दिल और मजबूती से जीतने का काम करेगी। आपके जीतने से समाजवादी पार्टी खेमे में भी थोड़ी हलचल है, वहाँ पे चाचा भतीजे में भी कुछ समस्या चल रही है इस समय, आप मंत्री भी उस क्षेत्र से बन गए हैं, तो सपाई खेमे के लिए क्या मैसेज है, क्या आप कहेंगे आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए? क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त करते हैं, समाजवादी पार्टी का चाहे जो उनका परिवार का मामला है, उनके घर का मामला है, उसमें तो हम लोग को टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना संदेश जरूर है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के लोगों के कल्याण के लिए, बिना किसी जाति भेदभाव के हम काम करेंगे, क्षेत्र को विकास देंगे, उनको सम्मान देंगे, कानून का राज देंगे, न्याय देंगे, सबके साथ एक जैसा भी। उसमें कोई दो राय नहीं, कोई पक्षपात नहीं होगा और निश्चित रूप से लोगों को हमारे सुशासन का लाभ मिलेगा, भरोसा मिलेगा। एक आखिरी सवाल और लूंगा, लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बैठकें ले रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठे थे, उनका पूरा जोर है ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और जो जो वायदे किए गए हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करना, जनता को लाभ देना, तो ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी क्योंकि बहुत सारे लोग
जिस तरह काम कर रहे हैं, नाराजगी भी बताई गई जनता के बीच में, चुनाव के बीच में गए वहाँ भी कई जगह क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा सरकार को, तो ये आपको लगता है कि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना? देखिए, ट्रांसपेरेंसी पे कभी नाराजगी किसी कतिपय व्यक्ति की हो सकती है पर्टिकुलर, लेकिन ट्रांसपेरेंसी अगर काम ले जाएंगे तो जो नाराज व्यक्ति है वो भी अंतोगत्ता ये मानते हुए कि नहीं तो सिद्धांत के आधार पर ये काम हुआ है, अंतोगत्ता सेटिस्फाइड होगा। नाराजगी किसी एक व्यक्तिगत किसी का हित और अहित अगर होता है ट्रांसपेरेंसी के कारण तो कुछ देर के लिए नाराज हो सकता है, लेकिन अंतोगत्ता वो भी संतुष्ट होगा कि हमें मानक और नियम के अनुसार ये हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नुकसान हुआ है और ना आगे होने वाला है। डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करना है, मजबूत करेंगे निश्चित रूप से, डिलीवरी भी देंगे, लोगों को मानकानुसार जो लाभ है वो भी देंगे और कहीं कोई पक्षपात नहीं होने देंगे, ये आश्वस्त करते हैं। पूरी ईमानदारी निष्ठा पूरी गति के साथ उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश की ओर जाएगा, लोगों को न्याय मिलेगा, विकास मिलेगा, पारदर्शिता मिलेगी और लोगों को दिखाई पड़ेगा होता हुआ, लोगों का विश्वास जगेगा, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के भी लगेगा कि सरकार पूरे प्रदेश के लिए समर्पित सरकार है, हर एक के कल्याण के लिए सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है, ऐसा महसूस होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जयवीर जी, और जनता भी ये भरोसा करेगी कि जो वायदे किए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उस पर अमल किया जाए, क्योंकि बहुत भरोसा किया है और 37 साल बाद सरकार रिपीट कर दी है, ऐसा मौका आया है। तो ये कहा जा रहा है कि नई सरकार है और अपने ही पहले कार्यकाल से चुनौती है, मंत्रियों को जवाबदेही पारदर्शिता के साथ काम करना होगा, डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत करना होगा, जनता को लाभ मिले, यही एंड रिजल्ट होना चाहिए और बार बार यही बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।